दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई दिग्गज क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो मैदान के अलावा सरकारी नौकरी भी करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको ऐसे ही सात क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो सरकारी नौकरी भी करते हैं। जोगिंदर शर्मा को आज कौन नहीं जानता। वे T20 वर्ल्ड कप 2007 में अपनी गेंदबाजी के लिए आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने उस मैच के आखिरी ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जोगिंदर शर्मा एक सरकारी अधिकारी भी हैं? जी हाँ, जोगिंदर शर्मा हरियाणा पुलिस में उप अधीक्षक यानी डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। कपिल देव भारत के लिए ICC वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले कप्तान थे। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव को दुनिया के महान ऑलराउंडर्स में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपिल देव भी एक सेना अधिकारी हैं? जी हाँ, 2008 में भारतीय प्रादेशिक सेना ने कपिल देव को लेफ्टिनेंट कर्नल के प्रतिष्ठित पद से सम्मानित किया था। KL राहुल ने 2014 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि KL राहुल एक बैंक अधिकारी भी हैं? जी हाँ, 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने राहुल को असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 2016 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी गेंदों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि युजवेंद्र चहल भी एक सरकारी अधिकारी हैं। जी हाँ, युजवेंद्र चहल आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 2010 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उमेश यादव अपने तेज गेंदों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उमेश यादव भी एक बैंक अधिकारी हैं? जी बिल्कुल, 2007 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उमेश यादव को खेल कोटे के तहत असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया था। महेंद्र सिंह धोनी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दो वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान हैं। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे कई बड़े बड़े खिलाड़ी देश को दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी भी एक सेना अधिकारी हैं? जी हाँ, 2011 में भारतीय प्रादेशिक सेना ने धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित कर दिया था। ऐसे ही क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को आप सब्सक्राइब करें।